एनआर मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल बिलासपुर में अब सिटी स्कैन सुविधा शुरू। रविवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अपना 41वां प्रांत अधिवेशन मंडी के भीमा काली मंदिर के परिसर में आयोजित किया। इस अधिवेशन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री तथा वर्तमान में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय सह संपर्क प्रमुख रमेश पप्पा मुख्य अतिथि के रूप में तथा एबीवीपी के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद प्रांत मंत्री विशाल वर्मा ने बताया कि इस अधिवेशन में आगामी वर्ष 2020 और 21 की प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा की गई। अधिवेशन के दौरान कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए सरकार के आदेशों के अनुसार 100 कार्यकर्ताओं को ही बुलाया गया था। वहीं इस अधिवेशन को वर्चुअल माध्यम से लाइव भी किया गया। आज विद्यार्थी परिषद का हिमाचल प्रदेश का 41वां प्रदेश अधिवेशन भीमा काली मंदिर के परिसर में हुआ। इस अधिवेशन के अंदर हमारे दो महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए जाएंगे, जिसमें हमारे प्रदेश का वर्तमान परिदृश्य और उसके साथ ही हमारे प्रदेश का वर्तमान शैक्षणिक परिदृश्य, इन दो प्रस्तावों के ऊपर चर्चा करने के उपरांत उनको यहाँ पारित किया जाएगा। उन प्रस्तावों के अंदर जो हमारे प्रदेश में वर्तमान की जो परिस्थितियाँ हैं, चाहे वो कोविड काल में देखा जाए या और भी वर्तमान जो परिदृश्य हमें दिखाई देता है, उसके ऊपर चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ हमारे प्रदेश का वर्तमान शैक्षणिक परिदृश्य, जो भी शिक्षा क्षेत्र के अंदर वर्तमान समय में हमें समस्याएं दिखाई दे रही हैं, चाहे वो केंद्रीय विश्वविद्यालय का मुद्दा हो, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की छात्र समस्याओं को लेकर मुद्दे हो, उन मुद्दों को चर्चा के उपरांत यहाँ पारित किया जाएगा और आने वाले समय में उन चीज़ों को लेकर, उन मुद्दों को लेकर हमारे आंदोलन की रणनीति तैयार की जाएगी। ये हमारा अभी आज के दो महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित होने वाले हैं। सब में हमारे मुख्य अतिथि के रूप में श्री रमेश पप्पा जी, जो पूर्व में विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री रहे और वर्तमान समय में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में अखिल भारतीय संपर्क प्रमुख। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए मंडी से विप्लव सकलानी की रिपोर्ट। एनआर मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल बिलासपुर में एक ही छत के नीचे सभी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध। उपचार के लिए बिलासपुर से बाहर जाने की जरूरत नहीं। एनआर अस्पताल में 16 स्लाइड सिटी स्कैन मशीन, ब्रेस्ट कैंसर, अंडेदानी कैंसर, सर्वाइकल कैंसर के ऑपरेशन की सुविधा शुरू। सर्जरी, मेडिसिन, ऑर्थो, चाइल्ड, आई, गायनी, ENT, स्किन फिजियोथेरेपी, पैथोलॉजी, स्पीच थेरेपी, सिटी गाइडेड बायोप्सी, सिटी एजियोग्राफी, इंटरवेंशन रेडियोलॉजी सुविधा के साथ साथ हाईटेक OT, स्पेशल वार्ड AC रूम, हाईटेक प्रयोगशाला, डिजिटल एक्सरे सुविधा, उत्कृष्ट नर्सिंग देखभाल सुविधा। अस्पताल में मरीजों को 24 घंटे बेहतर चिकित्सा सुविधा। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। न्यूक्लियस अकेडमी कुल्लू, बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए जिला कुल्लू की न्यूक्लियस अकेडमी कुल्लू में नंबर 1 पर रही है। नीट परीक्षा में अकेडमी के छात्र छात्राओं ने उम्दा प्रदर्शन कर अकेडमी अध्यापक और अभिभावकों का नाम रोशन किया है। अकेडमी में शिक्षा की गुणवत्ता पर भी प्राध्यापक विशेष ध्यान दे रहे हैं। यहां पर विभिन्न सुविधाओं से लैस क्लासरूम है। नीट के परीक्षा परिणाम में न्यूक्लियस अकेडमी के छात्र छात्राओं ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। अकेडमी में अगले सत्र की तैयारियां भी शुरू हो गई है, जहां पर वर्ष 2019 में 12 बच्चों में से 8 बच्चों का चयन मेडिकल कॉलेज में हुआ, तो इस बार 20 बच्चों में से 12 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, जिन्होंने बेहतरीन अंकों से परीक्षा पास की है। न्यूक्लियस अकेडमी के निदेशक ने बताया है कि संस्था की समृद्धि ठाकुर ने 590 अंक लेकर जिला में पहला स्थान हासिल किया है। वहीं अन्य छात्र छात्राओं ने भी बेहतरीन अंक हासिल कर मेडिकल कॉलेज में स्थान बनाया है। यहाँ पर JEE मेन्स, नीट, IIT, +1, +2 के विद्यार्थियों को कोचिंग दी जाती है। वहीं ड्रॉप बैचिंग की क्लासेस भी शुरू हो गई है। रजिस्ट्रेशन ओपन है। संस्था के 12 छात्रों ने मेडिकल कॉलेज में अपना स्थान पक्का किया है। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें।